हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉरएवर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एंड बॉस ऑफ इनिशियल बजा अब इन्वेस्ट फॉरएवर हो गया है। सो आज की वीडियो में अगर बात करें तो एक का पर्टिकुलर कंपनी और एक पर्टिकुलर कंपनी के रिजल्ट, ओके, मतलब दो चीज़ से रिलेटेड बातें करेंगे, तो उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। बट बिफोर दैट, उसमें आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर आज के दिन में, यहाँ पर तीन वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। एक कंपनी जो बोनस डिविडेंड देने वाली है, एक कंपनी जिसमें बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और काफी सारी कंपनी के रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो इनसे रिलेटेड वीडियो है, डेफिनेटली जाके देख लीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक का डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट है, क्लिक करें, फ्री अकाउंट ओपन होगा और फिर अपनी ट्रेडिंग एज वेल एज इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू करिए। और अगर मैं बात करूं वीडियो की, तो इस वीडियो में देखिए, हम अच्छी खासी वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए और आपको नॉलेज देते रहते हैं। तो आपको सीखना है, सीख के आपको पोजिशन लेनी है, और आपको सीख के लर्निंग करनी है। लर्निंग के बाद ही आपको जो नॉलेज मिलेगी उससे आप आगे बढ़ सकेंगे। तो वीडियो की तरफ हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें, पहले मिंडा इंडस्ट्री के रिजल्ट देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर डिविडेंड की बात करें, तो कंपनी ने डिविडेंड दिया है, बट 50 पैसे का यहाँ पर डिविडेंड कंपनी, सॉरी, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार, इक्विटी शेयर ऑफ द फेस वैल्यू, हाँ, 50 पैसे के यहाँ पर कंपनी ने डिविडेंड देती हुई नजर आई है। फंड रेजिंग से रिलेटेड भी कंपनी यहाँ पर काम कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं फंड रेजिंग अप टू 700 करोड़। तो यहाँ पर इस चीज को पढ़ सकते हैं आप, अगर डाउनलोड करके आपको बताइए कैसे डाउनलोड करते हैं। नहीं पता तो आप कमेंट करिएगा, इससे रिलेटेड वीडियो बना देंगे कि हाउ टू विड्रॉ द रिजल्ट ऑफ एनी कंपनी। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर इन करोड्स में, यहाँ पर रिजल्ट है, इस बार का रिजल्ट है, Q3 है, Q4 के रिजल्ट है, लास्ट ईयर के। टोटल इनकम की बात करें तो 1310 करोड़ के यहाँ पर टोटल इनकम इस बार की है, इससे पहले 1200 करोड़, इससे पहले 843 करोड़। तो ईयरली क्वार्टरली बेस में यहाँ पर टोटल इनकम में जंप है। एक्सपेंस की बात करें, एक्सपेंस भी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, 1219, इससे पहले 1117, इससे पहले 820 करोड़ के यहाँ पर एक्सपेंस थे। तो एक्सपेंस भी ईयरली क्वार्टरली बेस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बट अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की आफ्टर टैक्सेस, तो यहाँ पर आपके पास पता चले कि 56 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है, इससे पहले 61 करोड़ का प्रॉफिट था, इससे पहले 2 करोड़ 93 लाख का प्रॉफिट था। तो ईयरली बेस पे तो कंपनी ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया ही है। क्वार्टरली बेस पे भी कह सकते हैं थोड़ा बहुत 5 करोड़ के आसपास का यहाँ पर लॉस होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, कंपनी काफी बेहतरीन है, इसके फंडामेंटल्स काफी बेहतरीन है। ऑलरेडी मैंने यहाँ पर वीडियो बनाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यहाँ पर देखिए एक मिंडा इंडस्ट्री स्टॉक एनालिसिस, और इसमें बताया भी था 5 से 10% का गेन मिल जाएगा शॉर्ट टर्म में, और जो 5% का गेन आपको, अगर बात करूं तो आपको कल की डेट में ही वीडियो बनने के बाद ही आपको मिल गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें और भी कुछ चीजों की, तो यहाँ पर ईपीएस देखिए, 2.07 रुपए का ईपीएस है, इससे पहले 2.25 रुपए का ईपीएस था और 11 पैसे का ईपीएस एक साल पहले था। तो कंपनी ने ईयरली बेस पर भी अच्छा परफॉर्म किया है, क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ी डल रही है, एवरेज कह सकते हैं। और बात कर लेते हैं और भी कुछ पैरामीटर की, सॉरी, अब बात कर लेते हैं एक और दूसरी कंपनी की। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है मोरपन लैब लेबोरेटरीज लिमिटेड। तो इसके रिलेटेड हमने रिजल्ट पढ़े थे, और जब हमने रिजल्ट पढ़े थे तो हमें ये कंपनी काफी अट्रैक्टिव दिखाई दी थी। उस टाइम तो अपर सर्किट लोअर सर्किट में चल रही थी, ओके, फिर उसके बाद गिरता हुआ शेयर दिखाई दिया था रिजल्ट के बाद, और दोबारा अगर बात करें तो अच्छा खासा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दिन का फ्लैट है यहाँ पर, 5 डेज में यहाँ पर कंपनी ने अच्छे खासे गेन दिए, 1 मंथ में भी यहाँ पर अच्छे खासे गेन, एज वेल एज यहाँ पर कंसोलिडेशन है। ईयर टिल डेट की बात करें तो 30 रुपए का शेयर 64 रुपए, मतलब एक साल के अंदर, ईयर टिल डेट का मतलब है जनवरी से लेके अभी तक कंपनी ने अच्छे खासे यहाँ पर गेन दे दिए, ओके, अच्छा डबल कर दिया आपके पैसे। 1 मंथ 1 ईयर की बात करें तब भी पैसे डबल से ज्यादा हो रहे हैं, 5 ईयर में यहाँ पर फ्लैट दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और फिर अभी ही जंप है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी आपके सामने है, कंपनी मतलब चार्ट पैटर्न इतना खूबसूरत नहीं है, बट इसके जो नंबर अच्छे खासे आए हैं, इस वजह से यहाँ पर इस कंपनी को चूज करने का एक रीजन है। और जो ये लेवल है, ये लेवल शायद कंपनी दोबारा अचीव कर सकती है, तो इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है। मैं यहाँ पर पोजीशन ले चुका हूँ, बट आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करके यहाँ पर कोई पोजिशन लेनी है। 52 वीक लो की बात करें, 12 जून यहाँ पर 19 रुपए का यहाँ पर शेयर था, ओके, 12 जून 2020, एक साल पहले की बात कर रहा हूँ। 52 वीक हाई की बात करें तो 72 रुपीज का था 4 मई को, जब इसके रिजल्ट आए थे आसपास। डिलीवरी बेसिस पर लगभग 24,65,000 शेयर, लगभग 47% के शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए थे थर्सडे को, फ्राइडे को, सॉरी। और यहाँ पर अगर बात करें इनके पास कम प्रमोटर का 34.54% की होल्डिंग है, जिनमें से कोई भी शेयर यहाँ पर गिर भी नहीं है, तो ये काफी अच्छी बात है। ओके, रिजल्ट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुके हैं। अगर बात करें रिटर्न्स, यहाँ पर देख सकते हैं 3 मंथ 6 मंथ
ईयर टिल डेट मतलब 6 महीने में भी पैसे अच्छे खासे बढ़ाए हैं। 1 ईयर में 205% के, 10 साल की बात करें तो 1200% की, इस तरीके के रिजल्ट इस कंपनी ने पेश करे हैं हर एक पैरामीटर पे। और कुछ ये कंपनी फायदेमंद भी साबित रही है जस्ट बिकॉज ऑफ, या कह सकते हैं दिस कंपनी इज सो लकी जस्ट बिकॉज ऑफ पैंडामिक, क्योंकि पेंडामिक ने कुछ काफी सारी कंपनी के यहाँ पर कायाकल्प कर दिए। और बात करें ये देखिए बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोड्यूसिंग डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग अ वाइड रेंज ऑफ एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो एपीआई में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इस वजह से ये कंपनी काफी ज्यादा भागती हुई नजर आई पेंडेमिक में। इसी वजह से एपीआई जो भी कंपनी एपीआई से रिलेटेड काम करती है फार्मा की, वो कंपनी भागती हुई आपको नजर आई होगी। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट कैप, तो 3584 करोड़ का मार्केट कैप है। स्मॉल कैप कंपनी में ज्यादा पैसे इन्वेस्ट नहीं करना होता। स्टॉक पी की बात करें 36 के पी पे, आरओसी की बात करें 23/27 के आरओई पे कंपनी काम कर रही है। एज वेल एज बात करें प्लेजिंग की, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। और डेट की बात करें तो केवल 4% का डेट है। तो ये इसकी जो चीजें है ये मुझे काफी अट्रैक्टिव लगी। एज वेल एज अगर बात करें यहाँ पर कुछ और पैरामीटर की, क्वालिटी रिजल्ट, तो यहाँ पर क्वालिटी रिजल्ट सॉरी क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें सेल्स की, तो क्वार्टरली बेस पर अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म दिखा है। 164, 174, 212, 219, 203, 213, 213, 207, 258, 300, मतलब अच्छा खासा गेन था। फिर यहाँ पर पेंडामिक आ गया और पेंडामिक के बाद यहाँ पर थोड़ी सी गिरती हुई नजर आई और फिर दोबारा यहाँ पर चलना शुरू कर दिया शेयर ने। और आपको बात अगर बात करें ईयरली बेस पे, तो ईयरली बेस में यहाँ पर कंपनी ने काफी बेहतरीन यहाँ पर परफॉर्म किया है। और धीरे धीरे जैसे जिस तरीके से यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा था, ऐसी शेयर आगे भी बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। नेट प्रॉफिट की बात करें 27 करोड़ के नेट प्रॉफिट, हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट पर बैठे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें हाईएस्ट एवर ही यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट चल रहा है। सेल्स ईयरली की बात करें 10 साल का परफॉर्मेंस, 208 करोड़ की सेल्स, 1128 करोड़ की सेल्स में तब्दील हो चुकी है, तो 5 गुना हो चुकी है। तो इस चीज पर आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। और जहां पर हाईएस्ट एवर सेल्स, हायर क्वार्टरली ईयरली मिलते हुए नजर आए, क्वार्टरली ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर आपको बढ़ता हुआ मिले, नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर मिले, तो ये चीजें आपको फैसिनेट करती है। ये चीजें बताती है कंपनी को बिजनेस करना आता है। यहाँ पर कंपनी ऐसे ही नहीं बैठी हुई, नेगेटिव से प्रॉफिट पॉजिटिव में आ गया लगभग 97 करोड़ का। तो इस चीज को आपको देखना होगा। रिजर्व्स की बात करें 335 करोड़ के रिजर्व। बोरिंग की बात करें, अच्छे खासी बोरिंग थी एक साल पहले, और बात करें अभी की तो 16 करोड़ की ही बोरिंग रही है। मतलब बोरिंग कंपनी ने कंप्लीटली यहाँ पर उतार दिए। कंपनी की बात करें देखिए फिक्स एसेट बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो मतलब कंपनी यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कंपनी कैपेक्स में पैसे खर्च करती हुई नजर आ रही है। इन्वेस्टमेंट की बात करें 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर। यहाँ पर बात करें कैश इक्विवेलेंट की, 68 करोड़ का यहाँ पर कैश इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट है। ट्रेड रिसीवेबल भी 182 करोड़ का है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट सॉरी कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, जो भी आता है सीधे यहाँ पर बैलेंस शीट में दिख जाता है जो भी पैसा। आरओसी की बात करें, हाईएस्ट एवर आरओसी यहाँ पर जनरेट कर रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें 34.54% की होल्डिंग है। एफआईएस की बात करें 0.6% की है। डीआईएस की बात करें 2.89% की है। और पब्लिक की यहाँ पर होल्डिंग की बात करें तो पब्लिक में यहाँ पर इन लोगों को घटा लीजिएगा क्योंकि ये पब्लिक नहीं है। यहाँ पर बात करें लगभग लगभग 16% के आसपास की होल्डिंग इनके पास है, और बाकी यहाँ पर घटा दे तो पब्लिक यहाँ पर ऑपरेटर और यहाँ पर ये सब लोग हावी है। इसी वजह से ये शेयर की अगर बात करूं मैं, तो ये शेयर आपको लोअर सर्किट और अपर सर्किट में चलता हुआ मोस्टली ज्यादा नजर आएगा। देखिए ये अपर सर्किट यहाँ पर सीधा एक लाइन, तो मतलब अपर सर्किट में फिर लोअर सर्किट में फिर अपर सर्किट, तो इस तरीके से अपर सर्किट लोअर सर्किट में शेयर चलता हुआ दिखाई देता है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर बात करें, बैलेंस शीट और इनका बिजनेस, वो सब भी अच्छा खासा लगता हुआ नजर आ रहा है। एज वेल एज कुछ और चीजों की बात करें, तो देखिए पहले यहाँ पर कंपनी तो यहाँ पर ऑल टाइम हाई तो नहीं कहेंगे, बट 52 वीक हाई से ज्यादा यहाँ पर चलती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एक कवरेज अगर बात करें, कवरेज हैंडल पैटर्न छोटा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका टारगेट था जो भी, वो टारगेट ऑलरेडी यहाँ पर अचीव हो चुका है। ओके, यहाँ पर एक बना था कवरेज हैंडल पैटर्न जो कि ऑलरेडी यहाँ पर अचीव होता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी ये टारगेट तो अचीव हो गया है, बट इसमें पोटेंशियल कितना है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सॉरी, तो अगर इसके पोटेंशियल की बात करूं, तो देखिए यहाँ पर ये कंपनी बहुत पुरानी है, तो कभी ये कंपनी यहाँ चला करती थी, कहाँ पर, यहाँ पर 174 रुपीज के आसपास ये कंपनी शेयर यहाँ पर चला करती थी। यहाँ पर अगर हम बात करें 174 रुपीज, जो कि अगर यहाँ से अभी गेन देखे तो लगभग लगभग कितना गेन दिखाई देता है इसके अभी करंट प्राइस से, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
लगभग 168% का यहाँ पर गेन नजर आता है यहाँ से, और जो कि मुझे लगता है कि इस तरीके से जिस तरीके से परफॉर्म कर रही है तो 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर ये गेन मिल जाने चाहिए। बट एक चीज और, यहाँ पर अगर बात करें ट्रेडिशनल चार्ट पैटर्न की, देखिए यहाँ पर कब विद हैंडल पैटर्न बनाता है वो दिखाई दिया था, और जिस इस तरीके के जब चार्ट पैटर्न बनते हैं ना, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, तो ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है और अचीव होकर भी ऊपर यहाँ पर निकल चुका है ये शेयर। तो इस तरीके के चार्ट पैटर्न गवाही देते हैं, चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि हाँ भाई हम इस लेवल पर जाएंगे, हम जाएंगे। और ऑल टाइम हाई का यहाँ पर ऑलरेडी पता चल गया, 168 करोड़, सॉरी 168% का, लगभग 174 रुपये तक ये शेयर जा सकता है। अब ये अगर बात करूँ मैं कब था, सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो 170 रुपीज के लगभग ये शेयर था, ये था 12 अक्टूबर 2019। ओके, 12 अक्टूबर यहाँ पर 2019 में ये शेयर इस लेवल पर आता हुआ दिखाई दिया था। अगर हम बात करें 2019 का, तो सॉरी 2019 था या क्या था, 1 मिनट, 1999, और 1999 का तो देखिए डेटा भी नहीं है यहाँ पर, वरना यहाँ पर एक बार कंपैरिजन कर लेते। बट आई होप सो कि यहाँ पर जो भी डेटा होगा वो इससे नीचे ही होगा, जो इसके अभी अभी के जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली इससे नीचे ही होगा। और ये कंपनी पूरे पोटेंशियल रखती है, डेट फ्री कंपनी लगभग नजर आती है, और ये पूरा परफॉर्मेंस यहाँ पर मुझे लगता है कि इस टारगेट को अचीव कर लेगी। और प्रमोटर्स जब भगाना होता है ना शेयर, तो इस तरीके से भगाते हैं कि थोड़े बहुत टाइम में ही जब ये शेयर आया था धीरे से भगा दिया, उसी तरीके से गिरा भी दिया, और फिर दोबारा देखिए यहाँ पर चीजें दोबारा चलनी शुरू हुई थी, बट यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर पैंडामिक का मौसम आ गया और यहाँ पर पैंडामिक आता हुआ दिखाई दिया। बट दोबारा ऑपरेटर यहाँ पर देखे तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम आना शुरू हो गया है, और यहाँ पर दोबारा शेयर ऊपर जा सकता है। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी डेफिनेटली करिए। ये शेयर में मुझे पोटेंशियल लगता है, इस वजह से मेरे को यहाँ पर वीडियो बनानी पड़ी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिए, और हमारे चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरह की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।